कि यह वही आश्रम है जहाँ पर बैठकर ऋषि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की थी। बिठूर भले ही एक छोटा सा गांव है, लेकिन लव और कुश का जन्म स्थान माना जाने वाला यह स्थान स्थानीय लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। साथ ही यहाँ पर आने वाले हर एक व्यक्ति इस जगह का दर्शन अवश्य करते हैं और बिठूर उत्तर प्रदेश में अपने आप में स्थान रखता है जहाँ पे सबसे ज़्यादा मंदिर पाए जाते हैं, वो भी गंगा जी के किनारे। बिठूर में आज भी वाल्मीकि आश्रम के निशान देखे जा सकते हैं। यह हिंदू धर्म और पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बेहद ही महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ पर माता सीता ने अपने जीवन का एक लंबा समय व्यतीत किया था। इसके अलावा यह लव कुश का जन्मस्थली भी है और यहीं पर रामायण भी लिखी गई है। साथ ही लव कुश ने इसी स्थान पर ऋषि वाल्मीकि से शिक्षा भी प्राप्त की थी। इसके अलावा यहाँ पर राम जानकी मंदिर व लव कुश मंदिर भी स्थित है। ये वाल्मीकि आश्रम क्षेत्र है, यहाँ पर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की थी। सीता जी यहाँ आश्रम में रही और लव कुश का जन्म हुआ, तो ये इसीलिए यहाँ पर फेमस है। और हनुमान जो युद्ध हुआ था सुमेघ का, उसमें हनुमान जी सुग्रीव जी को बांध कर लाए थे लव कुश, और यहाँ सीता माता ने छुड़वाया था। ये पौराणिक स्थान है, इसलिए आप कितने सालों तक सीता माता यहाँ पे रही थी? 12 साल तक। भगवान राम के अश्वमेघ यज्ञ के अश्व को भी लव कुश ने बिठूर में ही पकड़ा था। वाल्मीकि जी की रामायण में भी इसका उल्लेख मिलता है। बाद में जब राम भक्त हनुमान यहाँ अश्व को छुड़ाने के लिए आते हैं तो वे भी लव कुश से परास्त हो जाते हैं और लव कुश ने उन्हें बंधक बना लिया था। इस गांव में आज भी उस स्थान को देखा जा सकता है जहां पर लव कुश ने हनुमान जी को कैद किया था। ये भी माना जाता है कि महर्षि वाल्मीकि ने सीता जी का नाम बनदेवी रखा था, जो काफ़ी प्रसिद्ध भी रहा है। बिठूर में यह आश्रम स्थित है जो काफ़ी खूबसूरत है और गंगा जी के किनारे है। यूपी में आते हैं तो एक बार बिठूर में ज़रूर आइए, जो कानपुर से 17 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है और काफ़ी खूबसूरत स्थान है जो गंगा जी के किनारे पर स्थित है। ये जो पुराना पौधा दिखाई दे रहा है, ऐसा माना जाता है कि इस आश्रम में वाल्मीकि जी अपने शिष्यों को पढ़ाया करते थे और ये पूरा का पूरा वाल्मीकि आश्रम है। तो फिर मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।